बहुत आभार। आज आपको जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो आयोजित कर रहे हैं, इसका एक मकसद है, हमने एक बड़ी स्नैचिंग और लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। 20 जनवरी 2022 को महम में एक घटना हुई थी जिसमें 4 आरोपी हैं, वो एक बाइक पे आते हैं, उन्होंने अपना मास्क लगा रखा था, साथ में शाम को 6 बजे के आसपास एक किराने की दुकान है उसमें आकर हथियारों की दम पे, जहाँ पर एक उनके पास में एक रिवॉल्वर होती है और एक चाकू होता है, तो गले से 1.5 लाख रुपये, सोने की अंगूठी और चैन लेके फरार हो जाते हैं। उसके बाद हमें उनकी बस केवल CCTV फुटेज में फुटेज दिखाई दिए थे, उन फुटेजों का आधार पर उनका रूट मैपिंग किया गया, उनके पोस्टर भी चिपकाए गए क्योंकि उनकी आइडेंटिटी है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके बाद में SP साहब उदय सिंह मीणा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हमने एक SHO कलानोर, इंस्पेक्टर रमेश, SHO महम, इंस्पेक्टर प्रहलाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इनकी लगातार छापेमारी और धरपकड़ के बाद हमने 2 जो आरोपी हैं, दीपांशु उर्फ पुत्र संजय निवासी एकता कॉलोनी, अजय पुत्र कृष्ण निवासी ओमनगर जींद जिला जींद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अदालत में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। साथ ही में आज हमने स्किन के तीसरे साथी दीपक सन ऑफ श्री जगदीश गांव रिठाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद पुलिस रिमांड लिया जाएगा। और इस गैंग के जो चौथे जो आरोपी थे, सुनील और पिल्ला निवासी मुहाना सोनीपत का रहने वाला है, वो अभी हमारी पकड़ से बाहर है। ये गैंग बेसिकली स्नैचिंग करती थी, लूटपाट करती थी हथियारों की दम पे, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था, ये चोरी के वाहन इस वारदात के दौरान यूज करते थे और अपनी पहचान को छिपाने के लिए मास्क या हुड टाइप के कपड़े यूज करते थे। इससे पहले ये बहुत सारे मुकदमों में भी आरोपी रहे हैं, जैसे दीपांशु है, वो उस पर पहले से 6 मुकदमे लूटपाट और चोरी के अंकित हैं और अभी वह जमानत पर है। इसी प्रकार अजय है, उसके ऊपर भी 2 चोरी के और स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज हैं। दीपक है, उसके ऊपर भी 302 का और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जो भी वो भी अन्य जगह जैसे सोनीपत में, भिवानी में, झज्जर में, अलग अलग जगह वारदात कर रहे हैं। इनका एक मोटिव ऑपरेंडी ये भी था कि ये